अच्छा अतः साहब मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छे आर्टिकल का, जो कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उसके स्टार्ट में क्या होना चाहिए, मिड में क्या होना चाहिए और बॉटम में क्या होना चाहिए? और इमेजेस के हवाले से भी एक थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि इमेजेस कितना रोल अदा करती हैं एक आर्टिकल को रैंक करने में। जी, इसमें सबसे पहले जो हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे कीवर्ड पे डिपेंड होता है कि हमारा आर्टिकल कैसा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, अब मैं ना आपको लाइव स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, मुझे अलो कीजिए, इसमें मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आपको जो है सॉरी गलत स्क्रीन शेयर कर दी, ओके ठीक है कोई इशू नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड लेटर, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास इस तरह का कीवर्ड आता है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, वहां पे आपका जो आर्टिकल का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके तीन पार्ट्स होंगे। वो तीन पार्ट्स कैसे होंगे मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ ये चीज काम कैसे करती है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन का। आप बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आज के जमाने में मतलब आपको अगर आप इनपुट दे देते हैं। आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है क्या? आई थिंक गलत स्क्रीन नजर आ रहा है। नहीं, आपने एक्सप्लोर कीवर्ड के ऊपर, हाँ ठीक है, अभी अगेन कीजिएगा, ओके ओके आप बहुत ओवरऑल बहुत स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी ठीक है कोई इशू नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इस पे काम करना है तो मैं यहीं लाइव करके दिखा देता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल आपको एक नया आर्टिकल है, तो मैंने आपको ये पूछा था कि हमारा जो क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन जैसे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस कीवर्ड को उठाएंगे और देखेंगे ये लंबा हो सकता है कि नहीं इससे ज्यादा। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिकली किसी एक चीज का भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए इन पॉइंट्स पूछ रहा है, मतलब इसको थियरी नहीं चाहिए, इसको एग्जैक्टली पॉइंट्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा टाइटल आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे हमारे पास एक इंट्रो सेक्शन आ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन जो होती है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन पहले आपको देना है जिसमें जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, वो ट्रेलर हमें इस सेक्शन में देना है जो हार्डली आपके अराउंड बोले तो 160 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, मतलब मान के चलेंगे 3-4 लाइन्स के आसपास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं टेबल आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ना, ये जो प्लस करके जो आजकल गटेनबर्ग जो एडिटर है वर्डप्रेस का डिफॉल्ट, इसमें आप टेबल पे जाएंगे और ठीक यहाँ पे है। हमारे पास ऐसे दो कॉलम्स हैं क्योंकि हम दो का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 10 डिफरेंसेज हैं तो ये हमारे बन के 10 डिफरेंसेज वाला। तो आप इसको हम हेडर सेक्शन दे देंगे, यहाँ पे हम डाल दे देंगे इसको सॉरी कीवर्ड डाल देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफायर्स डाल देंगे। यानी अब यार, यहाँ पे मतलब आप मुझे भी, मुझे जो समझ आ रहा है वो ये एक चीज भी है कि स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन टॉपिक्स, और आप क्या असल में बताना क्या चाह रहे हैं और किस वे से बताना चाह रहे हैं, ऐसा यूजर ही है ऐसा। का, हाँ जी, आप तो कंटिन्यू रखें। हाँ यूजर का इंटेंट मैटर करता है। आप जहां पे कोई इंटेंट, बंदा आपको ओके। डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब कि आपको एक कॉलम में एक चीज बतानी है, ये पूरा आपका टेबुलर कंटेंट होगा जिसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं बतानी बल्कि आपको एग्जैक्ट चीज बतानी है। आप शायद पॉसिबल हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, अब शायद हमें मिल जाए यहाँ पे टेबुलर कंटेंट। ये देखिए इसको ना ये रिच स्निपेट में आ रहा है। अब मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, एक्नो ने जो क्या किया, इवन के जो ये है इसने भी वही चीज की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों रैंक कर रहा है। ये देखिए इसने यहाँ पे टेबुलर कंटेंट बना रखा है। यूजर का क्वेरी था कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, एक क्लाइंट था हमारा, तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉप आर्टिकल है मतलब जीरो पोजिशन पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये एक्नो है, जीरो पोजीशन तो नहीं है लेकिन फिर भी फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास। तो ये अपने इस की वजह से यहाँ पे रैंक कर रहा है। और ये जो मुझे ये आर्टिकल है बताइएगा मनी कि जीरो पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे आपका क्या मतलब है, ताकि व्यूवर्स को ये भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट पोजीशन होगी कि अगर आपको नॉर्मली यहाँ पे दिख रहा है, तो जीरो पोजीशन जैसे हमने लास्ट वीडियो में शायद देखा था 10 बेस्ट शायद हमें मिल जाएगा, तो मैं आपको इसका एक दिखा दूंगा टॉप 10। नहीं ये भी नहीं है,
बेस्ट कीवर्ड सर्च टूल, ये देखिए ये जीरो पोजीशन है जिसमें नीचे आपको ये चीज मिल जाएगी ना, अबाउट फीचर्ड स्निपेट, ये चीज दिख रही होगी अच्छा, इसको आप जीरो पोजीशन कह रहे हैं, जीरो। ठीक है। हाँ जीरो, मतलब ये आ गया कि गूगल इसको अल्टीमेट कंटेंट मानता है इस स्पेसिफिक क्वेरी के लिए, तो 100% है कि इसमें इसका जो CTR है वो हद से ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास एक आ गया जहां पे आपको टेबुलर कंटेंट चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पूछता है कि 10 uses ऑफ कन्वेक्स मिरर, सिंपल सा क्वेरी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अच्छा इसमें हमने एक चीज मिस कर दी कि यहाँ पे हमारे पास इंट्रो पार्ट आ जाएगा, टेबल पार्ट आ जाएगा, और लास्ट पे आपका कंक्लूजन पार्ट कंक्लूजन। होगा। तो आप चाहे तो कंक्लूजन में अपना CTA भी डाल सकते हैं। CTA मतलब कि अगर आपको कोई चीज बेचनी है, जैसे ये बेचनी दोनों है प्रोडक्ट्स आप और बेचते हैं, तो नेचुरली आप बीच में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंटली आप लिंक डाल सकते हैं इसमें। और दूसरा एक और चीज, मुझे आपने कहा कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो मिनिमम 160 करेक्टर का होना चाहिए, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली होता है? हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है ओके कि जो इसमें इंट्रोडक्शन होगी, इट्स मोर लाइक एक्सर्प्ट, मतलब एक एक ब्रीफ ट्रेलर है, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, मूवी को क्यूरियस बनाने के लिए और क्यूरियोसिटी रेज करने के लिए, वही हमारा जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स, वी शुड फोकस ऑन द कंटेंट की एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, तो जिससे गूगल को ये चीज पता चलेगी कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब अगर आप बोरिंग सा वो वही कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कर देंगे, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देंगे, तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, गूगल के सामने पता चल जाएगा ये गलत कर रहा है, मतलब रैंक करने की ट्राई कर रहा है, कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा, और उसके नीचे अगर आप CTA डालना चाहें। अब दूसरा हमने बात किया था, जैसे ये क्वेश्चन है 10 uses ऑफ कन्वेक्स मिरर, एक एग्जाम्पल है, इसको हम लॉन्ग टेल कर देंगे, जैसे इन डेली लाइफ है, क्लास 10th है। यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह का कंटेंट है, जैसे क्लास 10th है मतलब बच्चा या टीचर सर्च कर रहा है, इन डेली लाइफ है जनरल ऑडियंस यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेके चलते हैं कि इन डेली लाइफ, अब इसको हमने उठाना है, यहाँ पे डाल देना है सॉरी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देना है। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कन्वेक्स मिरर होता क्या है, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपको वापस से कीवर्ड को लेके आप थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, ये भी हमारा। और ये हमेशा H2 में होना चाहिए, जो हमारी हेडिंग्स होती है ना, क्योंकि हमारा जो टाइटल होता है अपने आर्टिकल का वो H1 होता है, तो गूगल को फर्क नहीं पड़ता इससे कि आपकी साइट पेज पे कितने H1 से हैं, लेकिन हम एक यूजर होने के तहत, और एक यूजर को क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है, उस हिसाब से हमारे पास एक पेज में एक H1 होना चाहिए, और नीचे जो आपकी सारी हेडिंग्स हैं वो हमेशा H2 में होनी चाहिए, और फिर वो H3 H4 जैसे जैसे हमारी जो उसको वो क्रोनोलॉजी है वो मतलब जरूरत पड़ गई हम करते जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे जो जब मुझे समझ आया है, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन तो करता हूँ। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि अब हमें क्योंकि इसके एग्जैक्ट 10 बताने, तो इसको हमेशा हमें 1 से स्टार्ट करना है, यूज 1, ठीक है, उसके बाद यूज 2, यूज 3, और इसमें एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है जिससे हमारे रैंक करने के चांसेस ज्यादा हो गए, कि अगर आप इस चीज को एक शॉर्ट वो बना के ना, और इसका एक इंट्रोडक्शन देते, जैसे नहीं होता वो हम शुरू में एक चीज को मोटा कर देते हैं या किसी दूसरे पेंसिल, तो उससे क्या होगा, गूगल रिच स्निपेट में समझ आ जाएगी कि ये जो लाइन है ये इस स्पेसिफिक चीज के बारे में। तो अगर आप सिंपल लाइन लिखते हैं ना, उससे ज्यादा बेटर है कि आप उस लाइन को एक सब हेडिंग दे दें छोटी सी, जैसे हम कह सकते हैं कि यूज इन डेली लाइफ क्या है, हम कह सकते हैं कि फॉर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, इसको हम मोटा कर देंगे, और फिर हम इसके आगे लिखेंगे कि कौन, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, बस आप सिर्फ आइडिया को लीजिए, ठीक कन्वेक्स है, एज अ सैंपल लिख मिरर रहे हैं, ठीक है। कैन बी यूज्ड इन डेली लाइफ फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब गूगल को ये चीज पता चल जाएगी कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है जो ऑथर है, लेकिन उसका शॉर्ट जो है वो ये है, बर्ड आई ये है। व्यू ये, इसको उठा के आप पे दिखाना शुरू कर दे। स्नैपिट्स में। ये आ गया। अच्छा। अच्छा, आगे मुझे एक जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी चीज से रिलेट कर रहा है, वो ये कि डेफिनेटली हमने एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर बना लिया, आर्टिकल लिख लिया, उसके अलावा हमें उसको वेब पे यानी सर्च इंजन में रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ा जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती है। तो उस हवाले से मुझे बताइएगा कि एक आर्टिकल की मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और क्या ये गूगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, कितनी यूजफुल है मेटा डिस्क्रिप्शन के हवाले से मुझे शॉर्ट में बताइएगा, फिर मेरे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में वाइंड अप कर लूँ। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, मेरी एक वेबसाइट है जिसपे सिर्फ होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बाकी 16,000 उस पे कंटेंट है,
और उसका जो ट्रैफिक है तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास का पर मंथ। पर मंथ ओके। एक पेज में भी मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल नहीं डाला। तो आज के जमाने में, मतलब अभी जैसे लास्ट ईयर से जो गूगल ने नए कंटेंट अपडेट्स लाए, गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोर कर रहा है, लेकिन हम फिर भी यूज अगर हम करना चाहें, क्योंकि गूगल क्या करता है कि आपको, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शायद अगर मुझे मिल जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे एरिस्टोटल की पोएटिक्स की, अगर आपको याद हो एरिस्टोटल, सॉरी एरिस्टोटल्स। लेकिन यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन हमें शो तो हो रही है ना, जैसे अभी ये सामने जो पेज अपीयर है, अगर हम टाइटल के नीचे लिखें देखें डेट के अब मैं साथ आपको एक लाइक। इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, जैसे इसका मैं आपको मेटा टैग्स, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये हमारा आर्टिकल है ना स्पार्क नोट्स का, इसकी देखिए इसने मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखी होगी। ये अभी दिखा देगा, देखिए इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। अ शॉर्ट समरी ऑफ एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, दिस फ्री सिनॉप्सिस कवर्स ऑल द क्रूशियल प्लॉट पॉइंट्स ऑफ पोइटिक्स। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, टोटली अलग है, मतलब है ही नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन से गूगल ने उठाया ही नहीं है। तो उसी तरह से अगर आप सेकंड पे जाएंगे, ग्रेड से बड़ी वेबसाइट है, मेरी कंपटीटर है बेसिकली। अब देखिए इसमें क्या है, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स स्टडी गाइड्स कंटेन अ बायोग्राफी ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए गूगल ने क्या दिखाया, बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट चीज दिखाई। तीसरे पे चलिए आप, लिट चार्ट्स, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसका अगर हम इसका मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो इसने क्या लिखा है, देखिए गेट ऑल द की प्लॉट पॉइंट्स ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स ऑन वन पेज। और यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये देखिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन इग्नोर करते हैं, आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, कोई फर्क। और अगर आप डालना चाहते हैं, मतलब फिर भी अगर आपको लगना चाहिए, तो मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हमारे ये प्लगइन्स हैं, ये तो रेकमेंड करते हैं 160 कैरेक्टर्स का। अगर आप मुझे पूछें तो ये 160 कैरेक्टर से काफी ज्यादा है, इसमें अगर आप गिनेंगे ना ये 200-300 के आसपास है। तो ऑन एन एवरेज मैं तकरीबन 3 लाइंस का मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ अगर मेरा दिल करे, बट 90% ऑफ टाइम्स मैं कभी भी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता। सही है। एक मेटा डिस्क्रिप्शन है जो ओवरऑल, वो अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल का, क्या वो उस मेन आर्टिकल का 2 और 3 लाइंस के अंदर एक थीम होता है हाँ, और मेटा उसमें ना थोड़ा डिस्क्रिप्शन की सा डेफिनेशन की अगर बात करें तो? और आपको ट्राई करना है कि जैसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये है, व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, ठीक है। ये हमारा एक कीवर्ड है जो हमें पीपल आल्सो आस्क सेक्शन से मिला। इसको अगर हम गूगल में डालेंगे ना, वहां पे देखिए कि पीडब्ल्यू सेंटर यहाँ पे टॉप पे रहे कि मेटा डिस्क्रिप्शन ये नहीं है, लेकिन इसने क्या किया कि जो इसकी यूजर की क्वेरी थी कि 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, उन 6 एलिमेंट्स को लेके एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। उसमें आपको अगर आप एक्सप्लेन ना करें कि यूजर का एग्जैक्ट क्वेरी है, तो वहां पे आपके रैंक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप एक किसी प्लॉट को उठा के उसके आप 3 लाइन का आप एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना दें। तो ठीक हो क्वेरी गया। को समझ लें आपको। अच्छा, एक हमने आर्टिकल के बारे में बात कर ली, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ली। इसके अलावा एक चीज रिलेट कर रही होती है आर्टिकल के अंदर, इमेजेस। इमेजेस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और हमें क्या कॉपीराइट इमेजेस यूज कर लेनी चाहिए रद्दो बदल करके? और साथ साथ मुझे आर्ट टैक्स के बारे में भी बताइएगा, जो इमेजेस के आर्ट टैक्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कितना जरूरी है, और इमेजेस पे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ठीक है। तो आज के जमाने में मुझे नहीं लग रहा कि हमें कॉपीराइट वाली इमेजेस लेने की भी जरूरत है, पहले तो लेने ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले ज्यादातर तो लोग ऐसे ही करते हैं। वो गलत करते हैं, फिर जिस टाइम गूगल का फटकार पड़ता है फिर तो आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे रोते हुए। तो रीजन ये होता है कि गूगल आजकल इतना स्मार्ट है, मतलब पहले तो ये था कि यार आप इमेजेस के ऊपर का वो जो मतलब कंटेंट है वो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि ओसीआर टेक्नोलॉजी है तो गूगल आप इमेज की हर चीज को रिकग्नाइज करता है। फिर जिस दिन मतलब वो अपडेट का फटकार पड़ेगा, ये साइट्स जीरो हो जाएंगी और फिर आपको ग्रुप में मिलेंगे कि हाय हाय मैं लूट गया, ये वो, तो ये चीज होती है। तो देखिए, मैं वीडियो को बेसिकली एडिट एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो काइंडली थोड़ा सा मुझे एडिट वाला जो तो सेट्स मैं एडिट करने का टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मुझे फटकार का मतलब यहीं पे समझा दें क्या होता है। फटकार हो गया कि गूगल ने डंडा गूगल उठाया का आपकी साइट के स्ट्राइक, साथ में मार दी, अच्छा और स्ट्राइक आ गया आपको, स्ट्राइक्स तो बेसिकली नहीं, आपके कंटेंट को नीचे लेके चला गया, नीचे डाउन ले कर चला दिया। जाए, तो डाउन कर दिया। ठीक सेकंड पेज को वैसे भी एसईओज कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ
ऑल द थिंग्स, अगर किसी बंदे को दफनाना हो तो सेकंड पेज पे दफना दो, क्योंकि वहां पे कोई जाता नहीं है, तो जाता ही नहीं है गूगल आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज आती है कि हमारे पास आज के टाइम में इतने टूल्स हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर ट्रिक क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज को आप क्रॉप करके कैनवा पे जाके, हमारे पास विजटा है, कैनवा है, प्लेसिट है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आजकल के जमाने में ग्रुप बाई में भी मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लिक कवर करके एक टूल है, जहाँ पे आपको ग्रुप बाई में काफी सारे इस तरह के टूल्स आते हैं, तो वहां पे जाके आप उस इमेज को क्रॉप करके जितना आपको चाहिए डाल के, वो चीज कॉपीराइट में नहीं आती। तो आपको देखना है कि आपका यूजर किस तरह का है। जैसे कहीं जगहों पे आपको इन्फोग्राफिक डालना पड़ता है, 800x2000 का इमेज एक बड़ा सा बनाना पड़ता है, कहीं पर आपको इंस्टाग्राम, तो पहले तो आपको देखना है कि जो आप कंटेंट बताना चाह रहे हैं, आप जैसे अलेक्सा जो है, अलेक्सा को आपने अक्सर देखा होगा, वो इन्फोग्राफिक्स बनाता है। मैं अगर आपको ठीक है, हाँ दिखाना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा दिख भी, बताएं जरूर। से ये हमारे पास अलेक्सा है, मैं बड़ा शौकीन रहता हूँ, शायद अलेक्सा बंद कर दिया गूगल ने मुझे, अरे ये तो बंद हो गया, कोई इशू नहीं, अलेक्सा जो है वो उसने रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा मैं इसको रिटायरमेंट अलेक्सा ले, बोलता हूँ, ये अलेक्सा है प्रोनाउंस, इसका प्रोनाउंसिएशन जो जितनी भी प्रोनाउंस करना होता है इसको। अरे इंडिया पाकिस्तान में टोस्टेड इंग्लिश होती है, जो भी बोलो सब सही है। तो अच्छा जो अलेक्सा है, अलेक्सा का मैंने लगभग कुछ 6 महीने पहले पढ़ा था, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आई थिंक इनकी गूगल की तरफ से बड़ी लिमिटेशन आ गई थी इनको, नहीं, अलेक्सा को इनका डेटा बेकार था, इनके जो सर्वर्स थे ना, जहां से स्टैटिक्स ये थे कि मतलब वो स्टैटिस्टिक्स, मतलब एचआरएफ्स के सामने अलेक्सा क्या चीज है, ये एग्जैक्टली सोचना वो तो है, कबूल। लेकिन ये तो ज्यादा ये जो देखिए मशहूर हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था कि ये रैंक करता रैंकिंग, था वेबसाइट्स को। रैंकिंग की वजह से, अब रैंकिंग में भी इनका घपला ये होता था कि अगर आपने इनका प्रो प्लान अगर आपने परचेज किया है, आपकी रैंकिंग 4 लाख से सीधा 4,000 में पहुंच जाएगी। तो ये जो था ना, मतलब इतना वो नहीं था, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन थी इसमें जिस तरह से ये करता था। तो अब ये देखिए, मैं आपको इंटरेस्ट पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए ये इमेज है, ये 160 अपना 800x2000 इमेज है, ये 800x800 है, तो अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं। तो आपका जैसे कंटेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि 10 यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर इन डेली लाइफ, हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लिख के साथ एक छोटा सा इन्फोग्राफिक बना सकते हैं 800x2000 साइज का, जिसपे हम उन यूजेस को वापस से मतलब लिख के थोड़ा सा आसान तरीके से, थोड़ा सा विजुअल्स डाल के कैनवा पे, क्रेलो पे, आपको काफी सारे मिल जाएंगे। तो ताकि आपके एल्गोरिथम उसको रीड कर पाए अच्छे से और उनको लगे कि तो ये आप यहाँ पे डेडिकेटेड रैंक इमेज करेंगे, बनाई गई है। ठीक है, ओके ठीक एग्जैक्टली, आप यहाँ पे, अब है, ये इमेज यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ये गलत इमेज है, लेकिन क्योंकि गूगल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, गूगल इसको दिखा रहा है। अगर आप ज्यादा अच्छी कोई इमेज बनाएंगे, देखिए यहाँ पे किसी ने भी नहीं लिखा हुआ, अब देखेंगे कि ये तो बेड़ा गर्क लिखा हुआ है, ये तो गूगल इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता। यहाँ पे भी जो शूजेस किसी ने भी नहीं लिखे हुए, अगर आप तो एक ये इमेज क्या बना लेंगे, आर टेक्स की बेस के ऊपर रैंक हो रही है, और आर टेक्स के बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, क्योंकि तो मैंने आपको लास्ट टाइम वो बताया था इमेजेस कि से जैसे रिलेट कर रहा ओसीआर होता है। टेक्नोलॉजी होती है ना, गूगल आपकी इमेज के बीच में कंटेंट को पूरा पढ़ लेता है एग्जैक्टली पढ़ और इवन देता है। रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। और आपको जो जहां तक एल टेक्स्ट, उसमें आपका जो इमेज होता है उसमें 4 चीजें होती हैं, एक एल टेक्स्ट होता है, एक टाइटल होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, और एक लास्ट पे आपका कैप्शन होता है। कैप्शन कैप्शन तो होता खैर है। आप नोट भी कर सकते हैं, वो वहां पे आप मतलब बेसिकली वो होता ही है कि आप क्रेडिट दे रहे हो कि अगर आपने किसी का इमेज लिया है, बट जो हमारा टाइटल और एल टेक्स्ट है ना, वो हमेशा हमारा कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो है 10 यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स इन डेली लाइफ, ये हमारा इमेज का टाइटल भी होगा और एल टेक्स्ट भी होगा, जिसके बेस पे जैसे हमारा आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है, उसी तरह से हमारा जो इमेज है वो इमेज वहां पे रैंक करेगा। वहां पे रैंक कर रहा होगा सिमिलरली एग्जैक्टली। हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आता है, तो डिस्क्रिप्शन में जैसे हम आर्टिकल का एक्सर्प्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं ना, द सेम एक्सर्प्ट जो है, मतलब एक छोटा सा जो ट्रेलर है, वो आपको इमेज के उस डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। तो आप इमेज को गूगल ओसीआर से भी रिकग्नाइज करेगा, मतलब इसमें लिखा क्या है, आपके एल टेक्स्ट से भी उसको रिकग्नाइज करेगा, और जो आपका डिस्क्रिप्शन आपने लिखा हुआ है, जो छोटा सा एक्सर्प्ट लिखा हुआ है, वहां से भी आपको जो है उसको दिखा देगा। आप जैसे यहाँ पे एक इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इस चीज से। जैसे हाँ, ये हमारा फीचर्ड इमेज सेक्शन। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी इमेज देखते हैं, तो जैसे ये इमेज है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग।
हाँ तो ये देखिए किसी यहाँ को पे भी हमारे सबमिट पास कर, एक आ गया एल टेक्स्ट टाइटल आर और टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन। तो ट्राई करना कि आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है जो आपने मतलब अपने आर्टिकल के लिए सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ना, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन भी क्या डालना हम है। अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को, जो हम मेटा डिस्क्रिप्शन है वो इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट हाँ होनी बिल्कुल, चाहिए? हाँ बिल्कुल वही को उसको यूज कर सकते हैं। उससे हमारे चांसेस होंगे कि हम इस जगह पे जो ये हमारा है ना पोर्शन जीरो पोजीशन पे, यहाँ पे आर्टिकल कोई और होगा, हमारी इमेज रैंक कर जाएगी। मेरे कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक कीवर्ड है जिसकी 10 लाख सर्चेज हैं, टॉप पे तो चांस ही नहीं होता रैंक करने का, लेकिन मेरी इमेज जीरो पोजीशन पे रैंक कर रही होती है, और ना करते भी 10 से 15 हजार का ट्रैफिक उससे मंथली आ जाता है। हाँ, इमेज का तो सर्च कंसोल में भी अलग से एक वो सेगमेंट होता है, जैसे न्यूज का जी सेगमेंट होता है, तो डेफिनेटली इमेज ट्रैफिक भी बड़ा रोल अदा करती है। ठीक है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है वेबसाइट लोडिंग स्पीड के हवाले से। ऑफ कोर्स ये सारे समझते होंगे कि लोडिंग स्पीड बेटर होनी चाहिए, एवरीबॉडी नो अबाउट दैट, लेकिन ये कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म्स के नाम बता दें जो अच्छा एनालिटिक्स आपको बताते हैं, एनालिसिस करके कि आपकी लोडिंग स्पीड एग्जैक्ट कितनी है और किसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्या प्लगइन्स जो हम वर्डप्रेस के अंदर, डेफिनेटली आपको पता है मेजर ऑफ साइट्स बिलोंग्स फ्रॉम वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स हैं वो कौन से रिकमेंडेड है आपकी नज़र में, और जो स्पीड एनालिसिस है, स्पीड को ऑप्टिमाइजेशन बताता है कि स्पीड इतनी है, इतनी होनी चाहिए, वो कौन से बेटर टूल हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? तो जहां तक होस्टिंग की बात है, आपको पता है कि सबसे जो फास्ट होस्टिंग होती है वो हम कहते हैं जो वीपीएस होस्टिंग होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्योंकि इतना टेक्निकल बैकग्राउंड से होते नहीं है, तो ये वीपीएस को मैनेज करना बाई चांस कहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उसमें आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपकी साइट खराब होती है तो फिर वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, जो हम कर नहीं सकते, तो आपको नेचुरली कंटेंट डिलीट करके फिर से डालना, वापस इंस्टॉल करना पड़ता है। जहां तक मतलब बेस्ट होस्टिंग मैंने आज तक देखी है, मेरी वेबसाइट जो है बड़ी वेबसाइट जो है जिस पर 15-16 लाख का ट्रैफिक है, वो वेबसाइट मेरी wordpress.com पे होस्टेड है, जिसका खर्चा अराउंड इंडियन करेंसी में कुछ 10 हजार के आसपास है, मान के चले $140 एक ईयर का पड़ता है, अरे तो पर ईयर। और वो पिछले यार, 3-4 साल में कभी भी डाउन नहीं हुई आज तक वेबसाइट, नॉट फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड आज तक डाउन नहीं हुई। तो मेरी तीन वेबसाइट जो है वो wordpress.com की होस्टिंग पे है। तो दूसरा बेनिफिट ये है कि wordpress.com का जो बैकएंड है ना वो इतना स्ट्रांग है कि आपका मतलब वहीं से आपकी साइट को जो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोडिंग में वो सर्वर होता है, तो वहां से आपको इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब काम करना पड़ता है आपके फ्रंट एंड पे जो आपने प्लगइन्स वगैरह डाले हुए होते हैं। तो आपका होस्टिंग या तो वर्डप्रेस होना चाहिए, या मेरे एक फ्रेंड है आशीष जो वो उनका एक वेबसाइट है स्टार्टअप का, तो वो प्रेफर करते हैं इन मोशन होस्टिंग को। इन मोशन होस्टिंग भी अच्छी है, लेकिन इन मोशन काफी महंगी है, वो मतलब इंडियन करेंसी में 40-50 हजार के आसपास है, $600-700 के आसपास पड़ती है। फिर हमारे पास डिजिटल ओशन है, डिजिटल ओशन में प्रॉब्लम है कि इन्होंने प्राइसिंग काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, मतलब जो चीज आपको वर्डप्रेस 10 हजार इंडियन करेंसी में दे रहा है, वही चीज आपको डिजिटल ओशन उसका 20 मतलब सिर्फ उसका 20% दे रहा है, 13-14 हजार चार्ज करके। तो प्रेफरेबली मतलब मेरे लिए सबसे ये बेस्ट ब्लू वर्डप्रेस की होस्ट होती है। और साइट ग्राउंड वगैरह की जो होस्टिंग है, इससे भी आपका एक्सपीरियंस मिला हुआ है कभी, और इसके बारे में क्या फीडबैक है आपका? ये बेचने के लिए अच्छी है अगर आप मतलब आपको एफिलिएट बनना है, आपको पैसा कमाना है, बाकी अच्छी है, लेकिन नहीं ये नहीं बिल्कुल एज बकवास। अ अच्छा, ब्लू होस्ट पीवर। ब्लू होस्ट बहुत बकवास है, बकवास इस तरह से है कि ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अच्छा आपको अच्छा अब इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बोले ओके तो जैसे SSL होता है आज के जमाने में, क्लाउड फ्लेयर हमें SSL फ्री में प्रोवाइड करता है, ये लोग एग्जैक्टली SSL SEO। को फ्री दिखा दिखा के हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो हाँ, ये एफिलिएट को अपसेलिंग इतना बहुत अच्छा ज्यादा करते रिटर्न, हैं, सिक्योरिटी का अलग चार्ज करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन आई थिंक नंबर वन प्लेटफॉर्म इज ब्लू होस्ट, आई थिंक नंबर हाँ वन जो तो है, लेकिन मार्केट इन मार्केटिंग यू कैन से, लेकिन डेफिनेटली वो चीज है कि अपसेलिंग बहुत ज्यादा होती है। साइट ग्राउंड के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? साइड ग्राउंड भी खराब है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो साइड ग्राउंड पे करते हैं। मतलब मैंने आज तक वर्डप्रेस का जो अपना होस्टिंग है वर्डप्रेस के लिए, मैंने आज तक उस जैसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं देखा, ठीक हो और गया। जितना सिक्योर है अच्छा, इसके ये तो उतना। होगी सर्वर बेस लोडिंग स्पीड। अब आ जाते हैं कि हमारी ऑन पेज जितनी भी होती है उसकी बेस के ऊपर जो लोडिंग स्पीड में प्रॉब्लम आ रही होती है, लाइक हम GTM होता है आई थिंक, या GTF होता है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक GT मैट्रिक्स, आई थिंक GT मैट्रिक्स होता हाँ है, और गूगल पेज इनसाइडर,
इस तरह जो प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन से हैं, और कौन सा आप रैंक करेंगे कि अपने लिहाज से कि आपका एक्सपीरियंस किस में ज्यादा बेटर रहा? तो जैसे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उससे पहले दो तीन चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं कि आपका जो वेबसाइट जो है ना, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि लोग क्या करते हैं, 25-30 प्लगइन्स डाल देते हैं एक वेबसाइट के अंदर। तो अगर आप तो टेक्निकल हो तो आप उन चीजों को मैनेज कर सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में सबसे पहले जो प्लगइन्स हैं वो मैक्सिमम 15 के अंदर, मैक्सिमम 15 के, उसके बाद आपके लोडिंग स्पीड थीम्स। लोडिंग में बड़ा इफेक्ट करते हैं ये प्लगइन अगर हाँ, ज्यादा हो। हर प्लगइन, एवरी अच्छा। प्लगइन जो है ना वो करता है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है थीम्स, कई बार ऐसा होता है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो उसमें एक थीम, हम यूज तो हम एक ही थीम करते हैं, लोगों ने क्या किया होता है, तीन चार थीम्स वो जो बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल हुए हुए होते हैं उनको डिलीट नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते हैं। तो जो अगर आपका थीम है, एक आप वो रखिए और एक बाई डिफॉल्ट वाला रख लीजिए कि अगर बाई चांस साइट कभी मतलब सेफ मोड में ओपन करनी हो तो आप थीम उसको चेंज कर सकें। तो ठीक है। प्लगइन्स और थीम्स का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्लगइन्स 15 के आसपास होने चाहिए, और मेरे तो वेबसाइट पे 8 या 9 से ऊपर नहीं होते कभी। तो दूसरी तरफ जो आपका थीम है वो एक होना चाहिए जो रखा हुआ है, और एक डिफॉल्ट थीम होना चाहिए। अगर बाई चांस साइट अगर कभी लुढ़कती, मतलब अगर कहीं खराब होती है, तो वहां पे आप दूसरी जो थीम है उसको डाल सकते हैं। अब जहां तक बात आती है कि जब आपने ये सब कर लिया, अब सबसे बेस्ट जो हमारे पास प्लगइन है वो डब्ल्यूपी रॉकेट सबसे बेस्ट है। आपको कैशिंग प्रोवाइड करता है, आपको मिनिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सीएसएस मिनिफाई करता है, जेएस मिनिफाई करता है, इवन के एचटीएमएल को मिनिफाई करता है, प्रीलोड का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, मतलब अगर आपका क्लाइंट है वो अच्छा खासा काम कर रहा है, तो ये लोग अपना सीडीएन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वर्डप्रेस वाले सीडीएन या डब्ल्यूपी रॉकेट्स वाले? ठीक डब्ल्यूपी रॉकेट वाले। है। तो मतलब जो सीडीएन है वो एक तो सस्ता है, मतलब यूजुअली आपको जहां पे 2500-2600 डॉलर के आसपास पड़ता है पर मंथ, वहां पे सिर्फ $8 में ये लोग मंथली सीडीएन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाइंट के लिए $8 पर मंथ पे करना कोई ज्यादा, पता नहीं 8 है या 10 है, कुछ ऐसे ही है, मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, इसी रेंज में है। सीडीएन कोर्स लिखे वो आ जाएगा। चले, व्यूवर्स खुद भी सर्च कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जितने भी थर्ड पार्टी मेजरमेंट करते हैं, जैसे जी मैट्रिक्स है, जी टी एम मैट्रिक्स है जो मैं बता रहा था, या गूगल का जो होता है, वो अभी ओपन किया जाएगा? मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है। पेज लोडर स्पीड टेस्टर चेक करें ना, यहाँ पे लिस्ट लिखे पेज इनसाइट्स है, जिस अभी ना पेज गूगल ने इसका इनसाइट। नाम चेंज कर दिया है, इनसाइट्स इसका नाम गूगल ने चेंज कर दिया, वो चेंज ये कर है। रहा है गूगल, ऐसे ही है, पेज स्पीड डॉट पैड लिख रखती है। एग्जैक्टली, ये आप रिकमेंड करेंगे? जी टी मैट्रिक्स। मुझे नहीं लग रहा है इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास गूगल सर्च कंसोल है ना, गूगल सर्च कंसोल में हाँ आपका जो एग्जैक्टली। डब्ल्यूबी का सेक्शन है, वहां पे आपको एक एक चीज का, क्योंकि यहाँ पे आप तो मैक्सिमम अपना वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल डालेंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट होम पेज पे नहीं चलती, हमारी वेबसाइट कंटेंट पे चलती है। तो आप एग्जैक्टली। एक आर्टिकल को इसमें डाल के, आपको तो वो 1-1.5 साल चाहिए होगा आपको वो देखने के लिए कि कौन सा नहीं, आई कर रहा थिंक है। ये ओवरऑल भी बताती है ना, आई थिंक नहीं, जी टी ओवरऑल नहीं बताती, मैट्रिक्स, आप जी टी पेज के हिसाब से मैट्रिक्स जो बताती है, जी टी है। जीटी मैट्रिक्स ओवरऑल। मैट्रिक्स बेकार है, अच्छा। जीटी मैट्रिक्स का डेटा कोर वेब वाइटल्स में, तो ठीक हो गया। वी कांट रिलाई ऑन दैट एग्जैक्टली जीटी मैट्रिक्स पे। ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का या सेशन का, वो ये कि बिंग के हवाले से अक्सर लोग जो है क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर बिंग के ऊपर जो है वो हमें रैंक करना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। उस हवाले से मुझे एक से दो चीजें आपसे पूछनी है कि बिंग के ऊपर ट्रैफिक मार्जिन कितना है हमारा, और किस कंट्री का ट्रैफिक ज्यादा आता है वहां पे, और बिंग पे रैंक करने के लिए हमें आप मेन मेन पॉइंट्स बता दें विदिन 4 to 5 मिनट, क्योंकि अभी ये वाइंड अप भी होने वाला है, आप इसको वाइंड अप भी कर दीजिएगा ठीक है एंड पे। बिंग के ऊपर परफेक्ट, काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और ये भी बताइएगा कि उसके उसके ऊपर रैंक करने की जो स्ट्रेटजी है मेन वो क्या है। तो जो बिंग है ना, बिंग जो है वो जो टीयर वन कंट्रीज हैं, मतलब यूरोपियन नेशंस हो गए या अमेरिका वगैरह, हम लोग क्योंकि हमारे पास इंटरनेट अभी आया है, वो लोगों के पास आज से कई साल, मतलब आज हमारे यहाँ 5G वगैरह अभी आया है, वो इनके पास 5-6 साल पहले से है, वो लोग प्राइवेसी को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। तो जो नेशंस प्राइवेसी को कंसर्न रहते हैं वो गूगल को यूज नहीं करते, वो बिंग को यूज करते हैं, डक डक गो को यूज करते हैं, फिर कुछ कॉज बेस्ड कुछ सर्च इंजन होते हैं जो बिंग के ऊपर ही सभी मतलब डिपेंड होते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट बिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है तो नेचुरली डक डक गो के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है।
इकोसिया के लिए है, ओशन हीरो के लिए, जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। हम्म, जहां तक बिंग की बात है, अगर आप जैसे बिंग पे आप जाएंगे, बिंग बहुत इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है क्योंकि इसका मैं यूज करता हूँ। मेरी वेबसाइट पे, एक वेबसाइट पे 50 से 60 हज़ार का ट्रैफिक सिर्फ बिंग से आता है, वो भी टीयर वन नेशंस का। दूसरी ओके, वेबसाइट है, 40 हज़ार का ट्रैफिक आता है। ये है तो बहुत कम है मिलियंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी 40-50 हज़ार बड़ी ट्रैफिक होती है एक पर क्लास की ईयर या पर मंथ? पर मंथ। पर मंथ, ओके, बिग नंबर। तो अब अगर हम इसमें जैसे कीवर्ड रिसर्च सर्च करते हैं, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, जैसे हम ये मतलब इसको लंबा करके, ये इवन के जो अगर आप एक्सप्लोर कीवर्ड्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इंस्टा कीवर्ड टूल। यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा इजी होगा ये सब चीजें देखना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आपको टेंट्स के बारे में बात करना था, है ना। तो कैंपिंग टेंट्स, ठीक है, ये देखिए आपको बिंग पे आपको काफी सारे मिल जाएंगे। अब देखिए साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये अगर हम कीवर्ड उठाते हैं, बेस्ट टेंट्स फॉर कैंपिंग, अब देखिए कि कितने इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और बिंग पे गूगल से ज्यादा, मतलब आपके 90% चांसेस हैं कि आप बिंग पे डायरेक्टली आप रैंक कर जाएंगे, अगर आप इतने स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे काम करते हैं, क्योंकि इतना कोई बिंग पे काम करता नहीं है। तो अगर आपके पास जैसे 500 से 600 के आसपास का आर्टिकल बेस है, तो आप आराम से, आपको मंथली कम से कम 300, 400, 500 का ट्रैफिक आ सकता है। और अगर उन 500 में से 10 यूजर भी पर मंथ कन्वर्ट होते हैं, तो आपके एक महीने का बजट पूरा निकल जाएगा अगर आप बिंग की ट्रैफिक पे, अगर आप मतलब टीयर वन ट्रैफिक हो पे आप अगर आप काम कर रहे हैं। जो कि तो ये प्रीमियम जैसे ट्रैफिक बहुत होती है जिसका सीपीएम भी ज्यादा होता है, डेफिनेटली। सीपीएम होता है। अब जैसे ये बेस्ट टेंट्स फॉर कैंपिंग विद फैमिली विद डॉग्स इन यूके, स्पेसिफिक कीवर्ड है। स्क्रीन टेंट्स है, आप पता नहीं ये क्या क्या चीजें हैं, मुझे पता नहीं है, आप क्योंकि हमने एक एग्जांपल ली थी। तो ये देखिए बेबी के लिए अलग से है। अब इतनी सजेशंस आपको गूगल नहीं प्रोवाइड कर रहा जितना आपको बिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ठीक अगर है। एक एक सजेशन को लेके एक एक आर्टिकल बनाना स्टार्ट कर दें, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास 50 आर्टिकल्स हैं, 50 आर्टिकल्स में आपने 50 × 10, 500 अगर आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, एक दिन में अगर आपके 10 प्रोडक्ट्स बिकते हैं और एक एक प्रोडक्ट में से अगर आपको $5 का फायदा होता है, तो एक दिन में आपका $50 मंथ का आप हिसाब लगा लीजिए आपका कितना हो जाएगा। तो ये अगर आप सिर्फ पिंग पे काम करें तो चलें, बेस्ट हो गया आज के सेशन के लिए, इतना ही। इंशाल्लाह हमें साथ में वो याहू नजर आ रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे अगले सेशन में, और याहू के ऊपर रैंक करने के क्या क्या फायदे हैं, और वहां पे जो है हमें किस किस तरीके से ट्रैफिक आती है, किन किन कंट्रीज की आती है, डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू अथर, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह इसको ऑनगोइंग रखेंगे, और मैं मजीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो यूजर्स जनरेट करेंगे इन वीडियोस के नीचे, उनको अपने इस सेशन का हिस्सा बनाऊंगा, और ताकि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको वो चीज़ दे सकें जो एक्चुअल में उनकी नीड है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इवन यहाँ पे जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो है वो हम करें, कोई क्वेश्चन आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स की सूरत में बता सकते हैं, जो एक फ्रूटफुल कमेंट हुआ तो उसको हम इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच अथर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।